अरूप जो है वो प्लान कर रही है डकी भाई की सरप्राइज बर्थडे, बहुत प्यारा है। अरी भी अच्छी है, डन कर ली। रेड वाला गिफ्ट है उसमें ये प्रैंक। ये देखे मुझे किनकी गाड़ी दिखी है, निकलो भाई। ओ पतले अंदर ओए ओए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के दिन हमारा गाड़ी में शुरू हुआ है क्योंकि सारा दिन आज मैं घर का काम करती रही हूँ तो मैंने फोन को इस्तेमाल नहीं किया। इसका प्रूफ मैं दे सकता हूँ, सच कह रही है। सच कह रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपनी सारी जो कल सामान चीजें वगैरह शिफ्ट करके लेके गई थी, अपनी तरफ लेकर आई थी, तो वो सारी मैंने सेट की है। अरीब की सिस्टर और मैं, हम लोग मिल के जो है ना वो लगे हुए थे काम करने। ये लड़का मजाल है, बेड से हिलाओ अपने, इसने कुछ ये दिखने में लगता है बड़ा। मैं भी मार हूं। अरीब को फ्लू हो गया, सर्दी लग गई है, ठंड लग गई है, लेकिन फिर भी अरीब ने बहुत हेल्प किया, मेरा सामान नीचे सब पड़ा। मैंने जरा एक्स्ट्रा कर दिया। एक्टर हो गए एक्टर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल ही ना सब्सक्राइब किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कराची से हमारे दोस्त आए हैं, वो हमारी शादी में नहीं शिरकत कर सके थे। हम लोग गए थे उनके वलीमा पे। भाई हम बात कर रहे हैं जरनाब एंड लारैब की। उसके बाद हमने जाना है डकी की बर्थडे पे। उसके हाँ उसके बाद हम लोगों ने जाना है, आपको पता है डकी भाई एंड अरूप जो है वो प्लान कर रही है डकी भाई की सरप्राइज बर्थडे। उनके लिए गिफ्ट लेना है, क्या लेंगे, मेरी बहनों भी इनवाइट किया है, उनको भी हम ज्वाइन करेंगे। तो आज जो भी दिन गुजरेगा वो सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। लेट्स गो। 1 hour later ज्वाइन कर लिया हमको कराची वाले ने। हाय, एक मैं नाराज हूँ यार, शादी भी नहीं आया यार तुम लोग। माफ किया, नहीं दुल्हन हो ना इसलिए माफ किया। आई कैन अंडरस्टैंड। अब लगे हैं हम लोग खाना खाने। ये है जी पायशा है, पालक, गोश्त, चावल भी आए हैं हम। बफे चल रहा हमारा, ये बफे को बफेट बोला। मैंने बड़ी बार बोला, मैंने बहुत बड़ी बार। ये बफे बुफे मुझे तो समझ नहीं आती, इसी तरह वो खाना खा रहे हैं यार। इस उलझन में पड़ते ही नहीं, हमको ना अंग्रेज की औलाद है। अवामी खाना। हाँ अवामी खाना, बस जाओ खाओ एंजॉय करो। A few moments later. चलो जी गाइस, हमने यहाँ पे खा लिया था खाना शाना, सब कुछ हो गया, गप्पे शप्पे लगी हैं, अब निकलने का वक्त हुआ जाता है गाइस। वैसे थैंक यू सो मच यार, गिफ्ट लेके आए हैं यार ये लोग। भाई एक तो तुम इस्लामी के लाल खिला देती, दूजा तुम आए, अब इनको लगता है समझ नहीं आ रही पंजाबी आ रही है। हाँ केक मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैंने बहुत चंगा लगा फ्री। और अब हम सीधा जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए डकी भाई की बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा क्या ले क्या ले। और मेरे हस्बैंड साहब को फ्लू इतना तेज हो गया कि बहुत तबीयत खराब हो रही है, उनकी दुआ करिएगा सही हो जाए। दुआ फॉर मी। हाँ कैसे, प्लीज दुआ फॉर मी। अब हम जाते हैं शॉपिंग करने, लेट्स सी कि हमें क्या पसंद आता है। वैसे मेरी ऑप्शन ये कि अच्छी वाली प्यारी सी घड़ी लेते हैं, खूबसूरत सी। ठीक है चलें जी गाइस, हम लोग आ गए हैं शॉपिंग मॉल और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमें क्या चीज पसंद आती है। कैब लेके अच्छी लगेगी, घड़ी के साथ कैब ले लेंगे। हाँ, कैब देंगे। हाँ फिर कहेंगे कैसा लगा आपको मेरा मजाक। यहाँ पे हम लोगों ने देखी है कुछ घड़ियाँ। अरीब देखे कौन सी पसंद आ रही है। स्पोर्ट्स नहीं लेके देनी, स्पोर्ट्स एप्पल वॉच है साथ के पास। हाँ इस तरह की ले सकते हैं। हाँ ये कोई सूट वगैरह, आपने ना बेहतरीन सी कोई घड़ी दिखानी है, बेहतरीन। ये जो है ना घड़ी है मोस्टली सूट के साथ पहनी जाती है। हाँ इनमें से ना, इनमें से ये दोनों के साथ पहनी जाएगी, दोनों के साथ पहनी जाती है। ये डायल साइज कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत बहुत प्यारा है। अरी भी अच्छी है, डन करें। लड़कों की चीजें कितनी आसानी से, ये किसी लड़की के लिए लेना था ना कोई एक घंटा मुझे पूरा स्टोर फिरना पड़ता। फिर हमने घूम फिर के पहले ही दुकान पे आना था जहाँ से देखा होना था कि यार ये घड़ी अच्छी है यार। इतनी भी कोई बात नहीं, ऐसे ही बात है। आपकी बीवी ऐसे करती हुई कभी कभी होता है या वो लेना है क्या, टोपी लेनी है। यस एक कैप लेनी है और वो कैप देख दिखा के कहेंगे कि हमने तो उनके लिए खरीदा ही बस से है। इकरा चली गई अपनी शॉपिंग करने के लिए, मुझे कैप्स नजर आ गई हैं, दूसरी कैप्स इनके पास नहीं है, हम इसमें से एक ये ली कैप ले लेते हैं, ये क्यूट लगेगी। ये लार्ज साइज में मिल जाएगी,
लार्ज साइज में नहीं, ये स्मॉल साइज में यार। मैंने किसी बड़े बच्चे के लिए लेनी है। किसी बड़े बच्चे के लिए तो नीचे से फिर आपको बड़े साइज में मिल जाएगी। ये बड़े साइज है, ये सारे बड़े साइज लगे हैं। ये बस हमने वैसे ही लेनी है इसको तंग करने के लिए। असल गिफ्ट हमने ले लिया हुआ है। इस तरह की मिल जाएंगी आपको। ये अच्छी लग रही है मुझे, ये थोड़ी सी अच्छी है। ये पैक करवानी है मैंने प्रॉपर, ठीक है। ये इसको पैक कर दे। दीप साहब ने ये इसमें क्या पैक करवाया? तो मैंने हैट ले लिया, मैंने हैट पैक करवा दिए। हैट पैक करा ली है? हाँ। रिएक्शन लेंगे यार, मजे की हैट। चलें जी, हमने शॉपिंग वॉपिंग करनी है। दीप साहब मेरी बात सुने, जो आपने टैप है ना वो आपने गिफ्ट देनी है, जो वो मैं गिफ्ट दूंगी, ठीक है। तो जो रेड वाला गिफ्ट है, जो आपको अभी थोड़ा सा डिब्बे का ओवरव्यू मिला है, वो देंगे रीफ गिफ्ट। उसमें है प्रैंक, उसमें है प्रैंक, ठीक है। और जो सही ओरिजिनल हम दोनों की तरफ से गिफ्ट है, वो हम लोगों ने वो पैक करवाया था रीफ। हाँ, वो भी पैक है, चलें। ऑब्वियसली लगी की बर्थडे है तो ऑब्वियसली लेट होगा। 8 बजे का टाइम था, 10 बज गए। मुझे ये लगता है ना ये लोग पहुंचेंगे 10:30-11 बजे तक, ठीक है। अभी जाते हैं देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोई फोन नहीं आया कि हम लोग पहुंच गए हैं, किधर हो ये वो। हाँ। क्योंकि मुझे पता है साद भाई हमेशा लेट होते ही होते हैं, जाके देखते हैं मैं सही था कि नहीं सही था। हम लोग वहाँ से एक स्प्रे ले लेते हैं। आपको याद है मेरी बर्थडे पे साद ने क्या किया था? साद की टिंड पे स्प्रे करती है। साद ने मेरी बर्थडे पे मेरे ऊपर स्प्रे का हल्ला बोल दिया था। अब नहीं स्प्रे याद रहा, हमने कैप ले लिया उसके उसके बदले में। बट कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए थी। खैर चले, मुझे लगता है हम भूल गए और हम निकल गए हैं। कोई नहीं, माफ किया। ये देखे मुझे किनकी गाड़ी दिखी है, निकलो बाहर लड़कियों। पिक्चर चाहिए कह रही है, पिक्चर। ये फैंस नहीं है गाइस, ये एस्ट्रोलॉजी का घर जा रहा है पूरा। इन्होंने कहाँ से ज्वाइन किया, हमारे साथ जा रही है ये भी। आजो आजो आजो, मिलते हैं वहाँ पे। ये सारी लाइन में इधर सीधी, और एस्ट्रोलॉजी की सबसे छोटी भैया। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं यार? लग रही है ये देखो, ये देखो, और अपने आपको देखो, जवानी चढ़ी हुई है। जवानी भी यहाँ चढ़े हुए हैं। जैकेट पहनी है ना कुछ और नोट भी आप भी गई बैग आप भी गए बैग 4 दिन से उसके हाथ में। ये ना ये मैंने इसको दिया, मैंने कहा मेरी ये मेरी बहन ओरिजिनल बैग लेके आई, ब्रांडेड बैग लेके घूम यार। वो दिखाना चाहती है ना इट्स गुची गाइस। यार ये वही जो दुबई से तुम लेके आई थी, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया। अरे उसको दो यार, तुम काचूकुड़ाई ठीक हो। चलें जी गाइस, हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए हैं। अरीब साहब भी आ चुके हैं और इन बहनों ने मेरे रास्ते भी ज्वाइन किया। तुम्हें जैकेट पहन के मेरे साथ से चिपक रही, जैसे मैंने आप ही कोई जैकेट वैकेट पहन। वो हमें ना हमारे कुछ दोस्तों ने जैकेट गिफ्ट किया, इधर आओ तुम लोगों को दिखाऊं। देखो दिस इज व्हाट वी, ये तो यार मुझे भी चाहिए प्लीज, गिव इट टू मी। ये मेरी फ्रेंड लेकर आई है, ये जरनाब ने मेरे लिए लिया है, और ये मेरा, ये देखो ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट। तो ये सर्दियों पे ऐसी चीजें गिफ्ट आनी चाहिए। ये आप ही अरीब भाई के लिए लाई है? हाँ जी, चल रख अरीब का गिफ्ट खोल के चेक करने के लिए चक्रों में है। चला चले जी, मिलते हैं जी मोहसिन भाई से, मेरे बिजनेस कंसल्टेंट है। कैसे हैं आप? ठीक है, आप भी आए हुए बर्थडे शर्टे पे है, ठंडी ठंड बन के टेडी बियर बन के आए हुए आप तो प्रॉपर। हमने भी फर पहन लिया यार, हम भी तैयार हो गए, सबने जैकेट पहनी हुई है। शुक्र है मुझे गिफ्ट दे दी आप लोगों ने यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरीब आपने कौन सा गिफ्ट पकड़ लिया है? तुम दोगी ना? नहीं जी, नो नो नो, ये मैं दूंगी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप छुपा लें, मुझे लग रहा है फातिमा वगैरह भी ऐसे कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, टोपी। हाँ, शोपी। मुझे लग रहा है वो बड़ी चलाके हैं वो प्रॉपर, उनको ये नहीं पता कि हम उनसे ज्यादा चलाके। चले जी अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि यहाँ मेन्यू में क्या है। ये क्या है? चॉकलेट सॉस है। ये चॉकलेट क्या करनी है? हमारा वैसे तो चाइनीज वगैरह है, ब्लैक पेपर चिकन है, उसके बाद हमारी वो पूड़ियाँ और लाइव बारबेक्यू भी है। लाइव बारबेक्यू, ये आग कितनी अच्छी लग रही है, और ये चॉकलेट है यार, ये चॉकलेट का पता नहीं आज क्या बना है, मुझे दिखाओ और क्या क्या है। अभी लगा नहीं कुछ भी? अभी नहीं लगा क्योंकि अभी सारी गेस्ट की अराइवल नहीं हुई। और ये आप करोगे सारा कुछ? हमारी जगह है एक्चुअली, हमारा फूड भी है। ओ नाइस, तो इसीलिए सब पता है। मैं कहूँ इतने से बच्चे को केटरिंग का पूरा सामान पता है, जैसे इस बच्चे ने ना पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब मैं आपको ना वहाँ जाके जरा थोड़ी सी सिचुएशन दिखाती हूँ कि क्या है। यहाँ पे पूरा पार्टी पोपर शोपर का सीन लगा हुआ है, यहाँ पे सारी अचीवमेंट्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। 26 साल हो गए जिंदगी में आए हुए, तो तहलका मचा दिया इस बंदे ने यूट्यूब पर यार, क्या कमाल कर दिया ब्रो। और 26 साल के हो गए हैं, ये सेटअप हैप्पी बर्थडे साद अरूप की तरफ से, प्यारा सा सरप्राइज है, लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर, और है वहाँ खाने शाने का सीन लगा हुआ है। यहाँ पे ये सब लोग जो हैं वो आग सेकने का सॉरी काम कर रहे हैं। क्या लिया गिफ्ट में?
आटे की भाई घर टोपियों की सेल लगाई। मैं कह रहा ना, मुझे भी लग रहा है कि इन्होंने भी यही लिया। क्या लिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या? कुछ भी नहीं सच में। इन्होंने टोपी ली है, मैं बता रहा। टोपी नहीं, वो कह रही है कंगी। तुम लोगों ने वाकई खोली है? भाई को ना वो खोला, जी 10 रुपए सेल लगी। हमारे इसमें टोपी है यार, लेकिन हमने एक बहुत प्यारी वॉच ली है। पता है क्या, मेरे पास टाइम कम था और मैंने कहा कि वो जो रह गया वो पेंडिंग पे उनको बाद में दूंगी। ये जेड़े पेंडिंग वाले गिफ्ट होते ना, कभी नहीं लभदे। अरीब अरीब आपकी बर्थडे का गिफ्ट भी मिलेगा। अरीब आपकी बर्थडे का गिफ्ट भी इनकी तरफ पेंडिंग है। अभी दे दिया उसने, कब ड्रामे ना करो। कब दिया? बर्थडे वाले दिन दिया था। कब? क्या उसने एक शर्ट दी थी इतनी प्यारी? हां, इसने ए शादी का गिफ्ट पेंडिंग है। शादी का पेंडिंग है यार, वो शादी भी सांस से नीचे तो उतर लेने दो। फिर 8 बजे को उन्होंने टाइम दिया था, इसका मतलब है कि सुबह के 8 बजे आ ले। फिर 8 बजे को उन्होंने टाइम दिया था, इसका मतलब है कि सुबह के 8 बजे आ ले। सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हेलो, जब आएगा ना डकी तो बिल्कुल भी विश करने की जरूरत नहीं करें। करते हैं उसको। हेलो, आपस में बातें करते रहो आपस में। हेलो यार, तो कैसे विश करोगे यार? मुझे बुरा लगेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे इतना बड़ा ग्राउंड तुमने बुक करके वहां से सारा दिख देख एक्टिंग कर लेता हूं। आर यू वन? आर यू टू? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, ये आपने अभी ओपन करना है, ये आपका गिफ्ट है। हमें ये क्यूटू सा बॉक्स मिला है। ये क्यूटू आप अभी कह रहे हैं जस्ट ओपन इट? खड़े होके कह रहे थे ना, वही खोलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हां ऐसा क्या है इसमें? खोलो बस। ओपन। अभी मिलके लेके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वाला अलग है। ये परिवार अलग है। अभी साथ में बड़े अभी ये परिवार अलग आया। वो फैमिली है, हम अलग फैमिली है भाई। ये जो क्यूटू सा रेड कलर का जो बॉक्स है, ये अभी इकरा और रीम की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अभी हमें खोल के रिएक्शन बताओ कि कैसा लगा। चलो खोलते हैं भाई, खोलें भाई। पहला गिफ्ट अनबॉक्सिंग। 2 3 साथ जितनी एक्साइटमेंट में लगा मैं ना खोल। ओए तुम लोग मेरा साथ नहीं, सब्सक्राइबर वाला चैलेंज खराब कर रहे हो। मेरा चैलेंज खराब करने के चक्करों में ये। अच्छा खोलने हैं। अच्छा कुछ और लग रहा है मुझे तो है। अच्छा उनको लग रहा है कि लगा ओरियो का डब्बा लेके आए हैं। उन्होंने पतले होना है। पतले होना था ना? ओ पतले होना। ओए अरूप, सेम टू सेम। सबने साथ को टोपियां करा दी आज। शादी पे डकी को 3 फंक्शंस में 1 टोपी पहने हुए देखा मैंने, कहा डकी बेचारे को टोपी तो बनती है। लेकिन यार सिर्फ टोपी नहीं है यार, ये गिफ्ट एक्चुअल में ये नहीं है। दिस इज एक्चुअल गिफ्ट। वो तो सिर्फ एक आप तंग कर रहे थे ना, ये दिस इज एक्चुअल गिफ्ट। दिस इज एक्चुअल गिफ्ट। यस फ्रॉम, शायद दूसरी टोपी होगी। बहुत ऑफर। चक्कर ये, जितने गिफ्ट मिलेंगे ना, अगर पहनने वाले हैं तो पहन लेना, ठीक है? अब इसके ऊपर ये पहन लो। अब ये व्हाइट बॉक्स, ये भी कैरी की तरफ से आया। पहले उन्होंने मेरा अच्छा खासा चेदा लिया, अब वो सीरियस है। ये साथ का एक्चुअल गिफ्ट है। अरे नाइस, थैंक यू सो मच यार, मुझे आइडिया हो गया। मैंने कभी आपको पहने नहीं देखी थी, सो वी म्यूचुअली डिसाइडेड के हम आपके लिए ये लें। नाइस यार, रियली मींस अ लॉट। दिस इज वॉच, डब्बा वॉच का। अंदर से जाए टोपी निकले। अरे भाई, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वॉच बाय करणी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ये भी पहन लेते हैं। ये पहन लिया आपने। और अभी यहां पे खाने में है जी, गर्मा गर्म सूप। और ये पीने में है, खाने में नहीं होता। ओए ओए ओए, अब हम पीते हैं सूप एंड पहले टेस्ट करते हैं। अरे थैंक यू सो मच रूप, तेरा फैसल देखो। खोले तो सही इसको, सबको खोले, सबके गिफ्ट खोले। चले जब असल में मोए मोए होने लगा। मोए मोए तो यार हमें इराकी तरफ से टोपी मिली।
ये क्या प्लान करते रहे हमने डिक्की भाई का चीजा लेना ठीक है और उसको जो है हमने डब्बे चॉकलेट के अंदर से देखना क्या निकलता है डब्बे के अंदर डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा वाला सीन डिक्की भाई को मिली है खोल के देखे कंगी मेरी एक साल से कंगी घूमी हुई है मैंने नहीं ली हमारी तरफ से सीरियस गिफ्ट कैसा हेयर स्टाइल लग रहा है कंगी लग गई आने दो मेरी सबसे पहली है लेकिन मेरी जनवरी में है लेकिन मैंने सीरियस गिफ्ट भी दिया ना साथ देखे ना साथ मैंने खाली चेजा नहीं लिया मैं देख लूंगा मैं देखता हूँ सारों की बायो में खोल के देखता हूँ किसकी कब बर्थडे आ रही है अरूप रेडी हो जाए इन लोगों ने बायो में लिखी हुई है बायो में लिखी हुई है बर्थडे तुम्हारी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी पहले के पिछले साल व्लॉग बनाया हां हां 25 जनवरी 3 फरवरी 16 फरवरी और 11 जून मतलब सारों की जनवरी फरवरी में भाई महीना अगला हमारा सीजन है चलें जी अब जाते हैं खाना शाना खाने क्योंकि रोटी रोना आया मुझे बहुत ज्यादा मेरी आंखों में आ जाए खाना खा प्लीज अभी मैं थोड़ी देर पहले आई थी तो यहाँ चॉकलेट पक रही थी अब देखा तो चॉकलेट से चावल निकले ये क्या किया आप लोगों ने हाँ गार्लिक राइस और साथ में चॉकलेट में कढ़ाई ये ब्लैक पेपर चिकन है ये ब्लैक पेपर चिकन है और चॉकलेट कहाँ गई चॉकलेट के लिए शेफ जो बन जाती है ना नहीं नहीं चॉकलेट भी थी इन्होंने पकाई मैंने खुद देखा रही अब यहाँ पे जो है वो लग गए हैं गार्लिक राइस और ये साथ में कबाब और पूड़ियाँ भी बन रही हैं पराठे शराठे जो भी हैं अभी खाते पीते हैं और धुआं भी साथ ही खा रहे हैं और खाते हैं चलो जी खाने के लिए मैंने ये और ये लिया है मैंने ये आपने भी सेम मेरे वाला ही रेसिपी है खाते हैं अब खाना शाना खा लें उसके बाद खाते हैं सारी सिस्ट्रोलॉजी ने पार्टी पॉपर पकड़ ली है पहले उनकी टोपियां दे के उनकी बाट लगाई है अभी ये पार्टी देर फोड़ेंगे केक बहुत प्यारा है यार जेन्युइनली बहुत प्यारा डेकोर भी बहुत अच्छा है मुझे बहुत प्यारा लगा एस्थेटिक दे बॉय हमारे हाथ में आ चुके हैं तो अब आप भी आ जाए याला नो ये हमने मेरे साथ भी किया था भाई अल्लाह की कसम मैं ये खरीदने वाली थी आप कुछ करें मैं नहीं, मेरे पास भी नहीं ये नहीं आप करेंगे ये आप ये जिसका बर्थडे होता है उसको कोई हक नहीं होता है करने सर से बाल गए अकल वैसी की वैसी है होने लगी है केक कटिंग सेरेमनी फूक तो मार दो फूक बड़ी 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 पार्टी पॉपर पहले तो मैं खिलाऊंगी आपको थैंक यू और अब मैं भी खाऊंगी पकड़ पकड़ या अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया साथ कटते साथ की टिंड असल गेम पे मैंने नहीं किया कुछ साथ साथ के बाद बहुत अच्छा बर्थडे हो गया
टोपियाँ शोपियाँ मिल गई आपको, स्नो वाली भी मिली के साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। ओके आयशा, बाय बाय, ओके बाय, ओके बाय, बाय बाय। चले जी गाइस, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, ये हमने काका ले लिया गोद, ठीक है, और इसको लेके जा रहे हैं, लेट्स सी हमारी तरफ जाती है या इसको इसकी तरफ ड्रॉप करते हैं। हाँ, हमारा घर काफी बड़ा है माशाल्लाह, तो तुम रह सकती हो। अभी हम जा रहे हैं घर पे अपने, और घर पहुंच के बताते हैं लास्ट गो। हीरा को हम लोगों ने छोड़ दिया घर, ध्यान से जाना। हाँ, घर के बाहर ही छोड़ा, ध्यान से कहाँ जाऊँ। दरवाजा खुलेगा तो जब मम्मा सो गई होंगी, नहीं तो मैं आके मिलती हूँ अंदर। तो मम्मा से मिलेंगे हम सुबह, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।